हाय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? राम राम। तो ये देख सकते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये रहा आटा, ये रहा शक्कर, ये ली हूँ फॉर्चून। तो आज मैं चितवा बनाने वाली हूँ, तो आप लोग देखिए। तो अभी आप देख सकते हो, इसको मैं अभी घोलूँगी आटा में, मैं ही शक्कर डालूँगी। डाल दी हूँ शक्कर, इसमें मैं पानी ऐड करूंगी और इसको घोल बनाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें और पानी लगेगा। बढ़िया बढ़िया तरीके से इसको मैं भी तैयार कर लूंगी, मिला लूंगी, उसके बाद बनाऊंगी चितवा। तो आप लोग देख सकते हो मेरा घोल अभी तैयार हो चुका है, आटा और शक्कर का घोल बना ली हूँ। अभी तवा में गैस पे चढ़ाऊंगी, उसके बाद इसको बनाऊंगी। तो देख सकते हैं तवा को अभी चढ़ा ली हूँ, अभी गर्म होगा तवा, उस पर फॉर्चून डालूंगी, उसके बाद ये घोल डालूंगी और चितवा बनाना स्टार्ट करूंगी। तो भी आप लोग देख सकते हैं मेरा तवा गर्म हो चुका है, इसमें मैं फॉर्चून डालूंगी। तो तवे पे फॉर्चून दे चुके हैं, उसके बाद इस घोल को डालूंगी। डाल दी हूँ घोल को इस तरह से, ऐसे करूंगी, नहीं तो हाथ की मदद से इसको इसको फैलाऊंगी इसे पहले। तो देख सकते हैं हाथ की मदद से इसको भी फैला रहा हूँ। तो इस तरह से ऊपर से ऐसे इसको चिकन कर देते हैं, बना देते हैं चिकन चकन। तो भी बढ़िया तरीके से सीख जाएगा, उसके बाद इसको पलटाऊंगी। तो चारों बगल से थोड़ा सा तेज फॉर्चून डाल देते हैं, जो कि उखड़ने में आसानी से उखड़ जाएगी। इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो भी आप देख सकते हैं इसको मैं अभी पलटाऊंगी। ये देखिए मेरा चितवा। तो देख सकते हैं बगल से सनोरा हो चुका है, दूसरे बगल दूसरे की तरफ पलटाऊंगी। देखिए इस तरफ भी बहुत सुनहरा, बहुत सुंदर से हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसको होने दूंगी, उसके बाद इसको निकालूंगी थाली में। तो देख सकते हैं मेरा चितवा रेडी हो चुका है, इसको बाहर निकालूंगी ये तावे पर से। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा चितवा बनके रेडी हो चुका है, आप लोग भी आइए खाइए। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोगों के लिए भी चितवा रखी हूँ, आइए और खाइए मेरा यमी यमी चितवा। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, फिर मिलूँगी मैं। बाय बाय।